हे गाइस, वेलकम टू बैक अनदर वीडियो। आज की वीडियो हम बात करेंगे हॉलीवुड की मूवीज के कलेक्शन के बारे में, मतलब जिन मूवीज के एक से ज्यादा पार्ट बन चुके हैं उन मूवीज को आज की वीडियो हम कवर करेंगे। ये सारी की सारी मूवीज बहुत ही कमाल की होने वाली हैं और हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल होने वाली हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों, हमारी फर्स्ट मूवी है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। ये एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। इस मूवी में अब तक तीन पार्ट आ चुके हैं, 2001 से लेकर 2003 तक। और इस मूवी की स्टोरी इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कि हर किसी की बस की बात नहीं है इस मूवी की स्टोरी को समझना। अगर आप इस मूवी का फर्स्ट पार्ट छोड़कर सेकंड या थर्ड पार्ट देखते हो तो आपको जरा भी पता नहीं चलेगा कि इस मूवी के अंदर हो क्या रहा है। इस मूवी की स्टोरी लाइन VFX इतनी तगड़े तरीके से की गई है कि आज तक कोई मूवी इस लेवल तक नहीं पहुंच पाई है। और ये मूवी बहुत ही हाईली रेटेड मूवी है। इस मूवी की बेसिक स्टोरी मैं आपको बताता हूं, होता है कि डार्क लॉर्ड सोरोन अंधेरे के देवता एक ऐसी रिंग बनाता है जिसमें वो अपनी क्रूरता, दुष्टता और सब पे हुकूमत जमाने की ख्वाहिश को डाल देता है। मतलब कि कह सकते हैं कि सबसे खतरनाक रिंग बनाता है जो पूरी पृथ्वी को तबाह करके रख सकती होती है। और ये डार्क लॉर्ड सोरोन पूरी मिडल अर्थ को तबाह करके रख देता है, उस पे कब्जा कर लेता है। पर एक दिन सोरोन को एक हमले में धोखे से मार दिया जाता है और इसके बहुत सालों बाद ये रिंग एक हॉबिट को मिल जाती है। और उस हॉबिट को जब ये पता चलता है कि ये रिंग उस डार्क लॉर्ड सोरोन की है और इसकी आत्मा अभी भी उस रिंग के साथ जुड़ी हुई है, और अगर ये रिंग उसे फिर से मिल गई तो पूरी मिडल को तबाह करके रख देगा, खत्म करके रख देगा और हर तरफ अंधेरे का ही राज होगा। अब उस हॉबिट को ये रिंग किसी भी हालत में नष्ट करनी पड़ेगी और ये रिंग जहाँ से बनी हुई होती है वहीं पे इसे नष्ट किया जा सकता होता है। आगे स्टोरी आप खुद देखिए इस मूवी के अंदर क्या होता है इस रिंग के कारण। और इस मूवी का हर एक पार्ट हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग मिली 8.8 out of 10 IMDb से। दोस्तों, हमारी सेकंड मूवी है रॉकी। ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी है। इस मूवी अब तक 8 पार्ट आ चुके हैं 1976 से लेकर 2018 तक। और इस मूवी का हर एक पार्ट हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। ये मूवी एक रियल स्टोरी बेस्ड मूवी है। इस मूवी अंदर कहानी दिखाई गई है कि कैसे एक इंसान अपनी जरूरतों को पूरे करने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए, पैसा कमाने के लिए किस हद तक बॉक्सिंग करता है। ये सब आप इस मूवी के अंदर देखिए। इस मूवी अब तक 3 ऑस्कर विनिंग अवार्ड भी मिल चुके हैं। दरअसल इस मूवी का लो बजट होने के कारण डायरेक्टर ने ये कभी नहीं सोचा कि इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट भी कभी आएगा। पर इस मूवी ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस में अपने बजट के हिसाब से 10 गुना ज्यादा कमाई कर ली और ये मूवी लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आई कि इस मूवी अब तक बहुत सारे पार्ट भी बन चुके हैं। ये एक बहुत ही कमाल की बॉक्सिंग मूवी है और हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग मिली 8.1 out of 10 IMDb से। सो मूव ऑन द नेक्स्ट मूवी। दोस्तों, हमारी थर्ड मूवी है रैम्बो। ये मूवी आई 1982 से लेकर 2019 तक। इस मूवी अब तो 5 पार्ट आ चुके हैं और ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। हाल ही में इस मूवी का एक और पार्ट रिलीज हुआ है 2019 में, रैम्बो लास्ट वर्ड के नाम से। ये एक बहुत ही कमाल की सीरीज है। रैम्बो एक ऐसा इंसान होता है जिसने की वियतनाम में बहुत सी लड़ाइयां लड़ी होती है और वो एक वॉर हीरो होता है। रैम्बो को इतनी खतरनाक ट्रेनिंग दी गई होती है कि वो बुरे से बुरे हालात में भी जिंदा रहकर दुश्मनों को खत्म कर सकता होता है। रैम्बो जिंदा रहने के लिए ऐसे ऐसे चीजों को खा सकता है जो कि भेड़ बकरियां भी ना खाएं। यानी कि रैम्बो एक बहुत ही खतरनाक वॉर मशीन बन चुका होता है। आगे की स्टोरी आप खुद देखिए इस मूवी के अंदर कि रैम्बो कैसे दुश्मनों की हालत कैसे खस्ती करता है। और इस मूवी का हर एक पार्ट हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, आपको बहुत पसंद आएगी ये मूवी। दोस्तों, हमारी फोर्थ मूवी X-Men। ये सीरीज है 2000 से लेकर 2019 तक और हाल ही में इस मूवी का एक और पार्ट रिलीज होने वाला है 2020 में, द न्यू म्यूटेंट के नाम से। इस मूवी के अंदर आपको बहुत सारे सुपर हीरो देखने को मिल जाएंगे जो कि म्यूटेंट होते हैं और सभी के पास अलग अलग पावर्स होती हैं जिसकी वजह से समाज में रहने वाले लोग अपने से अलग समझते हैं और अपने ही दुश्मन समझते होते हैं। ये सीरीज एक सुपर हीरो बेस्ड मूवी है। इस सीरीज में आपको डेडपूल, वुल्वरीन, मिस्टिक जैसे बहुत सारे सुपर हीरो देखने में मिल जाएंगे। अगर आपको सुपर हीरो बेस्ड मूवी देखना पसंद है तो ये X-Men सीरीज आपको जरा भी मिस नहीं करना चाहिए। और इस सीरीज के सारे पार्ट हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल, आपको बहुत पसंद आएगी ये मूवी। दोस्तों, हमारी फिफ्थ मूवी है मैन इन ब्लैक। ये एक साइंस फिक्शन एक्शन एडवेंचर कॉमेडी मूवी है। इस मूवी अब तक 4 पार्ट आ चुके हैं 1997 से लेकर 2019 तक और ये मूवी एक बहुत ही एडवांस लेवल की मूवी है। इस मूवी अंदर ऐसे ऐसे गैजेट देखने में मिल जाएंगे जो कि हमने आज तक किसी मूवी अंदर नहीं देखे होंगे। इस मूवी में MIB यानी कि मैन इन ब्लैक नाम की एक सीक्रेट खुफिया एजेंसी होती है जो कि पूरी दुनिया से छुपा के बुरे एलियंस को पकड़ती होती है जो कि पूरी पृथ्वी को तबाह करके रख देना चाहते होते, अपना राजी करना चाहते होते पृथ्वी पर, और उन एलियंस को बंदी बना के रखती होती है। और ये सब काम पूरी दुनिया से छुपा के किया जाता होता है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर आपको ऐसे ऐसे एलियंस देखने को मिल जाएंगे जो कि आज तक हमने कभी भी देखे नहीं होंगे और इस मूवी का हर एक पार्ट हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल, आपको बहुत पसंद आएगा ये मूवी। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट मूवी है द मम्मी। ये मूवी 1999 से लेकर 2017 तक। इस मूवी अब तक 6 पार्ट आ चुके हैं और ये एक हॉरर एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। इस मूवी का रिलीज होने के बाद लोगों में इजिप्ट में रहने वाली मम्मी यानी कि जिंदा तो नहीं होती पर वहां पे दफनाई जाती है उनके नाम से डर और भी ज्यादा बढ़ गया और लोगों को खुल के पता चला कि मम्मीज कैसे होती है और उन्हें क्यों दफनाया जाता है। ये मूवी हॉरर होने के साथ साथ इस मूवी में आपको एक्शन एडवेंचर और मैजिक भी देखने को मिल जाएगा। 2017 में आई द मम्मी मूवी में आपको मेरे और आपके फेवरेट एक्टर टॉम क्रूज देखने को मिल जाएंगे
होंगे जिनकी एक्टिंग बहुत ही ज्यादा लाजवाब होती है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये मूवी हॉरर होने के साथ साथ एडवेंचर से भी भरी पड़ी है। इस मूवी हर एक पार्ट हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है और बहुत ही कमाल की मूवी है ये। दोस्तों मैं नेक्स्ट मूवी अमेरिकन पाई, ये कॉमेडी बेस्ड मूवी है। इस मूवी अब तो 8 पार्ट आ चुके हैं 1999 से लेकर 2012 तक। ये मूवी एक 18 प्लस मूवी है तो थोड़ा संभल के देखिए इस मूवी को। अगर कॉमेडी मूवीज आर 18 ना हो तो उन मूवीज को देखने का मजा भी नहीं आता है। इस मूवी अंदर आप देखेंगे कि कैसे हाई स्कूल टीनेजर लड़के अपनी पर्सनैलिटी लूज करने के लिए क्या क्या करते हैं और किस हद तक जाते हैं, ये सब आप इस मूवी अंदर देखिए। ये सीरीज एक बहुत ही कमाल की आर 18 कॉमेडी सीरीज है और हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। ये मूवी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। दोस्तों मैं नेक्स्ट मूवी है मेज रनर। इस मूवी में तो 3 पार्ट आ चुके हैं 2014 से लेकर 2018 तक और ये एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी अंदर कहानी दिखाई गई है, पूरी दुनिया में एक ऐसा वायरस फैल चुका होता है जिसके कारण सभी लोग ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, पर इस वायरस से अभी तक टीनेजर बच्चे बचे हुए होते हैं और एक ऐसी कॉर्पोरेशन होती है जो कि इन बच्चों को पकड़ के उनके शरीर से एक ऐसा एंजाइम निकालना चाहती होती है जिससे कि वो इस वायरस से बच सके। आगे कहानी आप खुद देखिए इस मूवी अंदर कि कैसे ये टीनेजर बच्चे उस कॉर्पोरेशन और इन ज़ॉम्बीज़ के कैसे बचते हैं, कैसे लड़ते हैं उन सबसे। और ये सीरीज बहुत ही कमाल की हॉरर ज़ॉम्बी सीरीज है और हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, आपको जरूर पसंद आएगी ये मूवी। दोस्तों हमारी सेकंड लास्ट मूवी है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। ये मूवी है 2007 से लेकर 2015 तक। इस मूवी अब तक 6 पार्ट आ चुके हैं और ये एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है। इस मूवी को देखने के बाद आपकी फटके 4 होने वाली है और ये मूवी पूरी पूरी एक ही घर के अंदर शूट की गई है। इस मूवी अंदर कहानी दिखाई गई है 2 कपल्स की जो कि अपने पुराने घर को छोड़ के नए घर में शिफ्ट होते हैं और इसके कुछ दिन बाद ही उनके साथ ऐसे ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने स्टार्ट हो जाते हैं जो कि नॉर्मली नहीं होती है। उस घर में एक डीमन होता है यानी कि गोस्ट होता है जिसे कि लोगों की मौत ही पसंद होती है और उस कपल की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि उस घर में वो शिफ्ट हुए होते हैं। आगे उनके साथ क्या क्या होता है ये आप इस मूवी अंदर खुद देखिए। अगर आपका कोई भी भाई बहन या दोस्त आपको ये बोलता है कि देख भाई मुझे तो किसी भी चीज से डर नहीं लगता है तो इस मूवी का आप उसे एक बार जरूर रिकमेंड कर देना, उसकी फटके 4 हो जाएगी इस मूवी को देख के। और इस मूवी का हर एक पार्ट हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल, आपको बहुत पसंद आएगी मूवी। दोस्तों मैं लास्ट मूवी रॉन्ग टर्न, ये मूवी है 2003 से लेकर 2014 तक और इस मूवी अब तो 6 पार्ट आ चुके हैं और इस मूवी का फर्स्ट पार्ट को छोड़ के बाकी सभी पार्ट इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस मूवी अंदर कहानी दिखाई जंगल के अंदर रहने वाले नरभक्षियों की जो कि इंसानों को पकड़ के जिंदगी खा जाते होते हैं। अगर कोई इंसान रास्ता भटक के जंगल के रास्ते जाता है तो वो कभी भी जिंदा वापस लौट के नहीं आता होता है। ये नरभक्षी उसे पकड़ कर उसे बीच से काट के उसे जिंदगी खा जाते होते हैं। आगे कहानी आप खुद देखिए इस मूवी अंदर कि ये नरभक्षी किस हद तक जाते हैं और कोई इंसान इनके चंगुल से बच भी पाता या नहीं बच पाता। ये मूवी बहुत ही कमाल की हॉरर मूवी है। सो हे गाइस, ये थी हॉलीवुड की 10 मूवीज की कलेक्शन जो कि आपको जरा भी मिस नहीं करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।